वेलकम फ्रेंड्स टू आर न्यू यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन 360। फ्रेंड्स आज हम जो हमारे विभिन्न राज्य हैं उनके सीएम यानी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का कौन गवर्नर है, ये पूछे गए हैं एएलपी में भी और आरआरबी जेई एनटीपीसी में आने की इसकी संभावना भी है कि किस राज्य का कौन हमारा राज्यपाल है, कौन सीएम है। तो फ्रेंड्स हम करते हैं एक यानी पता करते हैं कि कौन कौन है। तो सबसे पहले आंध्रा के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, ये पहला है आंध्र प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसका जो सीएम है वो है पेमा खांडू। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो है वो है आंध्र प्रदेश, उसमें एन चंद्रबाबू नायडू, और उनकी पार्टी पूछी गई तो वो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। पार्टी भी पूछी जाती है किस पार्टी के हैं, तो उनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। जो पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम वो हैं बीजेपी के। ऐसी असम है उसके हैं सर्वानंद सोनोवाल जी, और ये भी हैं बीजेपी के। उसके बाद बिहार में हैं, बिहार के हैं फ्रेंड्स नीतीश कुमार जी हमारे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल, ये अभी नए सीएम बने हैं और ये है कांग्रेस के। उसके बाद दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के हैं। उसके बाद गोवा के जो सीएम है वो है मनोहर पर्रिकर जी, वो हैं बीजेपी के। ऐसी गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, ये भी बीजेपी के हैं। और हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो हैं बीजेपी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पार्टी भी याद करनी है और कौन है स्टेट का सीएम वो भी याद करना है और किस पार्टी से वो सीएम। ऐसी मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ जी, वो हैं हमारे कांग्रेस के। महाराष्ट्र के जो हैं वो है देवेंद्र फडणवीस, वो बीजेपी के हैं। ऐसे मणिपुर है, मणिपुर के बीरेन सिंह है, ये बीजेपी के हैं। उसके बाद जो हमारी मेघालय है, मेघालय के हैं कोर्नाट संगमा जी। उसके बाद हमारा जो मिजोरम है, मिजोरम के हैं जोराम थंगा। नागालैंड के नेफ्यू रियो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनके अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि उनके थोड़े कठिन है नाम, तो उनके आपको याद करने अच्छे से। मिजोरम के जैसे है जोराम थंगा और नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो, ये आपको याद रखने क्योंकि भूल जाते हैं लोग अक्सर। ऐसे ही जो पिछले में था एक जो सेवन सिस्टर था स्टेट वो था मेघालय, मेघालय के थे कोर्नाट संगमा। तो आप भूलना मत क्योंकि पूछे जाते हैं सेवन सिस्टर्स के ही ज्यादा कर उनके राज्यपाल और उनके सीएम के नाम पूछे जाते हैं क्योंकि लोग याद नहीं रख पाते उनके। तो मेघालय के कोर्नाट संगमा और एक सेवन स्टेट जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके हैं पेमा खांडू, ये पूछा जाता है तो आप उसको याद रखिए अच्छे से। जो उड़ीसा है उसके हैं नवीन पटनायक जी, और ये बीजेडी से हैं। और पुडुचेरी है उसके हैं वी नारायण स्वामी, ये कांग्रेस के हैं। पंजाब के हैं अमरिंदर सिंह, ये भी कांग्रेस के हैं। राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, ये भी कांग्रेस के हैं। ऐसी सिक्किम के हैं पवन कुमार चमलिंग, ये और क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे जो ज़्यादा समय तक जो सीएम रह चुके हैं वो यही हैं पवन कुमार चमलिंग। तमिलनाडु के हैं ई के प्लानास्वामी। ऐसी तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव। और त्रिपुरा के जो हैं विपुल कुमार देव, ये बीजेपी के हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, और हिमाचल प्रदेश के हैं जयराम ठाकुर, ये बीजेपी के हैं। जम्मू कश्मीर का अभी वैकेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट रूल है। झारखंड के हैं रघुवर दास जी, ये बीजेपी के। कर्नाटक के हैं एचडी कुमारस्वामी, ये कांग्रेस प्लस जनता दल यूनाइटेड दोनों की वहाँ गठबंधन की सरकार है। तो ये है जनता दल यूनाइटेड के हैं जो कर्नाटक में है उनकी। और केरला के हैं पिनरई विजयन। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो जो नाम छूट गए हैं वो आगे हैं, वो हैं हमारा उत्तराखंड, उसके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के हैं। और पश्चिम बंगाल के हैं ममता बनर्जी जी, जो तृणमूल कांग्रेस की हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखने होंगे, पूछे जाते हैं। अब हम राज्यपाल देखते हैं किस राज्य का कौन राज्यपाल है। तो जो गुजरात है उसके राज्यपाल हैं ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली जी। गोवा की हैं मृदुला सिन्हा जी। छत्तीसगढ़ के
हैं आनंदीबेन पटेल, क्योंकि जो इनके पहले राज्यपाल थे टंडन जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो अभी हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर के हैं सत्यपाल मलिक जी, झारखंड की हैं द्रौपदी मुर्मू, ऐसे ही तमिलनाडु है उसके हैं बनवारी लाल पुरोहित, त्रिपुरा के हैं कप्तान सिंह सोलंकी जी, और तेलंगाना के हैं ECL नरसिंगन। हमारे जो नागालैंड हैं उसके हैं पद्मनाम बालकृष्ण आचार्य। हमारे पश्चिम बंगाल के हैं केसीनाथ त्रिपाठी जी, और बिहार के हैं लालजी टंडन, क्योंकि जो सत्यपाल मलिक थे वो कश्मीर चले गए, तो उनकी जगह बनाया गया लालजी टंडन जी को बिहार का राज्यपाल। जो मणिपुर है उसकी है नजमा हिपतुल्ला। मध्य प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल दो राज्यों की हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ उनमें अतिरिक्त भार है राज्यपाल का। महाराष्ट्र के हैं विद्यासागर राव जी, मिजोरम के हैं कुम्मनम राजशेखरन, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कल ही, तो राजशेखरन जी अब मिजोरम हट गए हैं, लेकिन अभी जो दिखाया जा रहा है वही राजशेखरन जी दिखाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को। ऐसे मेघालय के हैं तथागत रॉय। जो राजस्थान है उसके हैं कल्याण सिंह जी, और सिक्किम के हैं गंगा प्रसाद पहले मेघालय के थे, फिर उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ सिक्किम में। और जो मेघालय है उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेवन सिस्टर स्टेट हैं उनको अच्छे से याद करना है, जो एक है त्रिपुरा उसकी कप्तान सिंह सोलंकी, हमारे नागालैंड के पद्म बालकृष्ण आचार्य, सिक्किम के गंगा प्रसाद हो गए, मिजोरम के कुमार शेखरन, और जो मणिपुर है उसकी नजमा हिपतुल्ला, क्योंकि सेवन स्टेट के हमेशा पूछे जाते हैं और हमको याद भी रह पाते हैं। वहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है उनके हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, ये रिटायर्ड हैं। असम जगदीश मुखी जी, आंध्र प्रदेश का ECL नरसिम्हा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल सेम है ECL नरसिम्हा। उत्तर प्रदेश के हैं राम नाईक, उत्तराखंड के हैं बेबी रानी मौर्य, और जो उड़ीसा है उसकी हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, कर्नाटक के हैं वजूवाला भाई, केरल के हैं पी सदाशिवम, और मेघालय के हैं तथागत रॉय। राजस्थान के कल्याण सिंह हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो हैं हरियाणा के हैं सत्य देव नारायण आर्य, और हिमाचल प्रदेश के हैं आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स, ये राज्य थे, अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के देखते हैं कौन है राज्य जो उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे, तो उपराज्यपाल कौन है। तो हमारा दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल जी हैं, पांडिचेरी के हैं किरण बेदी जी, लक्षद्वीप के हैं एस राजेश प्रसाद, अंडमान निकोबार के हैं AK सिंह, और चंडीगढ़ के हैं कप्तान सिंह सोलंकी जी, और बाकी जो दमन दीव है और दादर नागर हवेली उसका सेम है आशीष कुंद्रा जी, दमन दीव और दादर नागर हवेली उनके आशीष कुंद्रा जी हैं। तो इनके भी पूछे जाते हैं जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके अलग उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल तो राज्यों के होते हैं, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल होते हैं। तो आपको याद रखना है दिल्ली के अनिल बैजल, पांडिचेरी की किरण बेदी, लक्षद्वीप के एच राजेश प्रसाद, और अंडमान निकोबार के AK सिंह, चंडीगढ़ के कप्तान सिंह सोलंकी, दमनदीप के आशीष कुंद्रा, और दादर नागर हवेली के भी आशीष कुंद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आज खत्म हुआ CM और राज्यपाल जो है स्टेट के। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में और भी आपको जो करंट अफेयर है वो आपको शेयर किया जाएगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।